हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेचर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 1, डेफिनेशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ओके, डी फार्म फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 है ये, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर डेफिनेशन में क्या करना है, एक लाइन की लिख दें। बेटा देखो, एक लाइन वाला जमाना गया, अब वो प्रोफेशनल कोर्स में, ठीक है ना। तो डेफिनेशन कोशिश ये होनी, अगर 3-4 तरह के डेफिनेशन तो सब याद करो, ठीक है ना, जरूरी, अगर अच्छे नंबर चाहिए। कि डेफिनेशन जब लिखने को आ रही है, ये नहीं कि तुमने 2 या 3 लाइनों में डेफिनेशन लिख के खत्म कर दी, करना पड़ेगा। प्रोफेशनल कोर्स में हो तो करना पड़ेगा, कुछ उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानते हो तो वो लिख दो थोड़ा सा। तो डेफिनेशन इसलिए 1 या 2 लाइनों की डेफिनेशन नहीं होगी, पहली चीज। तो देखते हैं हम लोग डेफिनेशन में क्या कवर किया। लेकिन हाँ, एक और चीज, जैसे मैंने कहा लकीर का फकीर नहीं बनना, कि मैंने जितनी बातें लिखवा दी है या किसी और टीचर ने जितनी बातें करवा दी हो, सबके सब तुम लोगों ने एकदम रटने बैठ गए, कुछ उसमें अपना ऊपर नीचे कर सकते हो। क्लियर है? ओके, एक और बात, इसका जो लेक्चर नंबर 2 होगा, 7 के साथ ही डाल दूंगा मैं ये लेक्चर आएगा, उसके 2-3 घंटे में दूसरा लेक्चर भी आ जाएगा। उसके डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट नोट्स एक साथ मिलेंगे, जैसे मैं पढ़ा अलग अलग रहा हूं, लेकिन वो नोट्स एक साथ एक ही उसमें दे दूंगा, जिससे कि तुम लोगों को प्रिंट आउट करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, अगर जो बच्चे प्रिंट आउट कर रहे हैं। क्लियर है? तो लेक्चर के कंप्लीट नोट्स एक साथ सेकंड लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। इसके डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स नहीं होंगे, ये लेक्चर आएगा, उसके 2 से 3 घंटे के अंदर ही दूसरा लेक्चर भी आ जाएगा। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन, द टर्म फार्माकोग्नोसी, तो फार्माकोग्नोसी फार्मा फार्मेसी से आया, ठीक है ना। अब ये कोग्नोसी, समझते हैं बात को, कोग्नोसी क्या होता है। ठीक है, तो आओ देखे जा रहा है यहां पर, तो कह रहा है द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज फर्स्ट कॉइन्ड एंड यूज्ड इन 1815। अलग अलग है थोड़ा सा, सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो फेमस है, जो एक साइंटिस्ट थे सी ए सैडलर, ठीक है, जर्मन मेडिकल स्टूडेंट थे ये, इन्होंने अपनी एक थीसिस रिसर्च कर रहे थे, अपनी एक थीसिस सबमिट करी। थीसिस जानते हो क्या होता है, जो लोग PhD करते हैं ना, वो लोग एक किसी चीज को वर्क करते हैं, ओरिजिनल वर्क होता है वो, और उसमें उस ओरिजिनल वर्क के ऊपर वो अपना रिसर्च वर्क क्या करते हैं, सबमिट करते हैं, ठीक है, उसको थीसिस कहा जाता है। उस थीसिस का नाम था एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका, ठीक है ना। तो पहली बार जो ये जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, फार्माकोग्नोसी टर्म का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब इस्तेमाल किया कैसे, क्या सोच के किया भाई, ऑब्वियसली बात है कुछ तो दिमाग में लाया होगा। तो इन्होंने अपने दिमाग में क्या लेके आए कि ग्रीक पता ही है, ग्रीक और लैटिन सारी लैंग्वेज लगभग वहीं से आ रही, क्योंकि वहीं से ज्यादातर चीजें क्या हुई, वहीं पे शुरुआत हुई, एक तरह से धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ग्रीक में द टर्म वॉज डराइव फ्रॉम ग्रीक, या अब द टर्म वॉज डराइव फ्रॉम ग्रीक, नहीं आता समझ में कि टर्म डराइव तो लिख दो, दिस टर्म कम्स फ्रॉम, अपने हिंदी बना, अपने इंग्लिश बना के लिख दो, ठीक है ना, लकीर का फकीर नहीं बनना। मैंने क्या कहा, अगर हिंदी समझ में आ गई है तो इसको अपनी सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो लिखा है द टर्म डराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन, फार्माकोन विच मीन्स अ ड्रग, फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, एंड ग्नोसिस विच मीन्स नॉलेज ऑफ, ठीक है ना, यानी कि ड्रग की नॉलेज, नॉलेज ऑफ ड्रग, या गिग्नोस्को विच मीन्स टू अक्वायर नॉलेज ऑफ, ठीक है ना, टू अक्वायर द नॉलेज ऑफ ड्रग या नॉलेज ऑफ ड्रग। तो फार्माकोग्नोसी टर्म अपने आप में क्या बता रहा है, नॉलेज ऑफ ड्रग्स या टू अक्वायर द नॉलेज ऑफ ड्रग। बात समझ में आ रही है, कोशिश करो चीजों को दिमाग में सेट करते जाओ, और बाद में क्या करना, कुछ नहीं जो याद हो गया ना उसको अपनी भाषा में लिख देना, क्योंकि डेफिनेशन हिस्ट्री में बहुत चीजें वास्ट है, चीजें उसमें बहुत सारी चीजें लिख सकते हो उसमें तुम। अब आगे देखते हैं, दस, ठीक है, द लिटरल मीनिंग, जो रियल मीनिंग ऑफ फार्माकोग्नोसी इज नॉलेज ऑफ ड्रग और टू अक्वायर द नॉलेज ऑफ ड्रग। तो जाहिर सी बात है, ग्रीक वर्ड से लिया इन्होंने ये टर्म, ठीक है, और अल्टीमेटली फार्माकोग्नोसी आज अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हो गई हैं, ठीक है, सब जानेंगे धीरे धीरे करके हम लोग। तो ये होगी इसकी स्टार्टिंग। अब आगे आते हैं, कह रहा है दस, अब देखो डेफिनेशन है ना, अब बच्चे लोग कहते हैं कि सर डेफिनेशन में ये सब क्या लिखना, भैया ये प्रोफेशनल कोर्स है, कहां से आया शब्द फार्माकोग्नोसी, कहां से किसने लिखा, ये जनरल बातें तो देनी पड़ेंगी, ये तो देना पड़ेगा, किसने पहली बार टर्म इस्तेमाल किया, कहां से आया, डेफिनेशन तो बाद में आ जाएगी, डेफिनेशन 3-4 लाइन की खत्म हो जाएगी। ठीक है, आगे आते हैं, तब फार्माकोग्नोसी मैं भी डिफाइंड है, कह रहा है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव स्टडी, यानी ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, किसी चीज को खास, किसको हम स्टडी करने जा रहे हैं,
ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ क्रूड डर्ग. क्रूड मतलब कच्चा कच्चा ना, जैसे कि पत्तों या टहनिया जड़ की हम लोग स्टडी करते हैं. क्रूड ड्रग्स ऑफ रिलेटेड सब्सटेंसेस, ठीक है ना, क्रूड ड्रग्स या तो कच्चा ड्रग होगा एंड रिलेटेड सब्सटेंसेस या उससे रिलेटेड कुछ सब्सटेंस होंगे. और वो होंगे कैसे, नेचुरल होंगे, उनका ओरिजिन कैसा होगा, नेचुरल होगा, ठीक है. टू एक्वायर नॉलेज अबाउट देयर नेचर एंड प्रॉपर्टीज, और हम लोग क्या कोशिश करेंगे उसके बारे में नॉलेज गेन करें और उसका नेचर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बारे में हम लोग नॉलेज को इकट्ठा करें. बात समझ में आ रही है, आगे आते हैं. इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज एन अप्लाइड साइंस. अप्लाइड साइंस मतलब समझते हो ना, अप्लाइड साइंस होती है जिसको हम लोग अप्लाई करते हैं कहीं पर, है ना, जैसे कि प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं कहीं पर. विच इज कंसर्न विद, जो कि ताल्लुक रखती है, कंसर्न रखती है, ताल्लुक रखती है विद एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट. एक्वायर करना है नॉलेज ऑल एस्पेक्ट, हर एक पहलू के, किसके, क्रूड ड्रग के हर एक पहलू की नॉलेज को एक्वायर करना, ठीक है. ये जो अप्लाइड साइंस है इसको कंसर्न करती है. एंड अदर नेचुरल सब्सटेंसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस, और जो कुछ दूसरे नेचुरल सब्सटेंस हैं जिनकी फार्मास्यूटिकल क्या है, इंपॉर्टेंस है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस साइंटिफिक डिसिप्लिन. साइंस में जो अलग अलग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब जो तौर तरीके आ गए हैं, उसकी हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, जो अल्टीमेट है क्या, क्रूड ड्रग और उसके जो दूसरे नेचुरल सब्सटेंस है जो जिसकी फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस है, यानी कि हमारे हेल्थ बेनिफिट में जो कुछ ना कुछ काम ला सकते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, जो साइंस के वेरियस एप्लीकेशंस हैं, जो तौर तरीके हैं, उनको यूज करके गैदर करने की, इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे. क्लियर है? तो देखो कह रहा है इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज अप्लाइड साइंस. इसको हम लोग अप्लाइड साइंस की तरह भी डिफाइन कर सकते हैं. अप्लाइड साइंस जिसमें इसका मेन कंसर्न, ताल्लुक किससे होता है, एक्वायरिंग नॉलेज. बात समझ में आ रही है, आगे आते हैं. एक और डेफिनेशन है, देखो पहली डेफिनेशन ये हो गई, दूसरी डेफिनेशन ये रही. मैंने कहा ना दो तीन डेफिनेशन अगर याद कर लो तो अच्छी बात है, जरूरी है. ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी, जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी की, वो क्या कहती है, फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज. अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी कलर, टेस्ट, ऑर्डर, केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्ट कैसे करती है, बायोकेमिकल प्रॉपर्टी बॉडी के अंदर किसी सेल के अंदर जाकर क्या उसकी केमिकल्स रिएक्शन शो करेगा, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ओवरऑल किसी बॉडी के अंदर जाकर ये क्या इफेक्ट दिखा रहा है ऑफ ड्रग. तो फार्माकोग्नोसी क्या है, फार्माकोग्नोसी है कि स्टडी करना किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी की, पता दे फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बायोकेमिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, ड्रग की या ड्रग सब्सटेंस, जो ड्रग से सब्सटेंस बना है, और पोटेंशियल ड्रग और ड्रग सब्सटेंसेस ऑफ, पोटेंशियल ड्रग मतलब जो ड्रग की तरह बिहेव कर सकता है, ड्रग सब्सटेंसेस ऑफ नेचुरल ओरिजिन, ऐसे ड्रग्स जिनका ओरिजिन कैसे है, जो कुदरती तौर पर मिलते हैं हमें, एज वेल एज द सर्च ऑफ फॉर न्यू ड्रग्स, और साथ साथ में सर्च करना, ढूंढना क्या, नए ड्रग को फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस. यहां पर चीजें घूम फिर के तुमने एक चीज देखी, एक चीज जुड़ी हुई है नेचुरल, क्या जुड़ा हुआ है, नेचुरल जुड़ा हुआ है. बात समझ में आ रही है, तो बात समझ में आई. फार्माकोग्नोसी अमेरिकन सोसाइटी क्या कह रही है, कुछ नहीं कह रही है, फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, तो इसको स्टडी करना है. दूसरा, ड्रग का कोई सब्सटेंस है या कोई पोटेंशियल ड्रग की तरह बिहेव कर सकता है, या ड्रग सब्सटेंस है कोई नेचुरल ओरिजिन का, कोई ऐसा सब्सटेंस जो नेचुरली आया हुआ है, ठीक है ना, या किसी नए ड्रग का सर्च करना जिसका ओरिजिन कैसा है, नेचुरल हो. तो ये है फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन. ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, फार्माकोग्नोसी, यानी कहीं ना कहीं एक नेचुरल, नेचुरल ड्रग के बारे में सब कुछ जानना क्या कहलाता है, फार्माकोग्नोसी कहलाता है एक तरह से, ठीक है. देखो सेम चीज को थोड़ा सा अलग तरीके से कहा गया है. इन अदर वर्ड इट मे बी सेड दैट, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, फार्माकोग्नोसी इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फार्मेसी. ठीक है, ये लाइन तो याद हो जाएगी कि फार्माकोग्नोसी एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है फार्मेसी की, विच डील्स विद, जो डील करती है, ठीक है, किसमें डील करती है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द, साइंटिफिक स्टडी किसकी, स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल, वही लाइन आ गई, फिजिकल, केमिकल, एक स्ट्रक्चरल वर्ड एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, बायोकेमिकल एंड सेंसरी कैरेक्टर. सेंसरी मतलब जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो. ऑफ क्रूड ड्रग, फिर से देखो बात आ गई क्रूड ड्रग की, क्रूड ड्रग्स या नेचुरल ड्रग. क्रूड मतलब मैंने कहा ना कच्चा, कच्चा इन द सेंस जब केमिकल पत्तों में है, टहनी में है, जड़ों में है. एंड रिलेटेड सब्सटेंसेस या उससे रिलेटेड सब्सटेंस की,
किसकी? ऑफ प्लांट, ठीक है ना, एंड रिलेटेड सब्सटेंसेस ऑफ प्लांट, एनिमल एंड मिनरल। यहां थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया, जो नेचुरल सब्सटेंस है चाहे वो प्लांट से हो चाहे एनिमल से हो चाहे मिनरल और मिनरल से हो, सब उसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। इट आल्सो इंक्लूड स्टडी ऑफ देयर हिस्ट्री, ये यहां पर एक और चीज ऐड कर दे रहे हैं अब, कि हम उसकी हिस्ट्री भी जानेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी जानेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पर इसकी पैदावार कितनी कितनी होती है, कल्टीवेशन कैसे उगाया जाता है, कलेक्शन कैसे हार्वेस्ट किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन कैसे उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यही ड्रग है, प्रिपरेशन कि कैसे उसे तैयार किया जाता है, एवोल्यूशन एवोल्यूएट करना कि आखिरकार इसके अंदर कौन सा नेचुरल केमिकल है, प्रिजर्वेशन कैसे प्रिजर्व करें कि खराब ना हो, यूज उसका यूज क्या है, एंड कॉमर्स, कॉमर्स मतलब फाइनली उसको बेचना है अपने प्रॉफिट के लिए। तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन क्या होगी, एडवांस होगी। तो यहां पर अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर दो तीन डेफिनेशन पढ़ रहे हो और भूल जाओ दो तीन, तो एक में सारी चीजें ऐड कर देना और एक अपनी डेफिनेशन बना देना, ठीक है। और दो या तीन याद रहे, एक जैसे कि अमेरिकन वाली आधी थी उसी में थोड़ी सी पार्ट ये जोड़ गया, अगर ये याद कर लो आधी डेफिनेशन अमेरिकन वाली होगी, आधी डेफिनेशन अदर शब्दों वाली हो गई। क्लियर है ये बात? तो फिर बता रहा हूं, डेफिनेशन कम से कम दो तो पक्का याद कर लेना। आगे आते हैं, कह रहा है और एक और तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फार्माकोग्नोसिस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी, सिस्टमैटिक कायदे से क्रम से स्टडी करेंगे किसकी, फिर भैया वही आ गया क्रूड ड्रग, है ना, कच्चा ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल ओरिजिन। अब देखो बार बार वही चीजें आ रही है, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल ओरिजिन, तो बच्चा कहता है क्या बार बार वही है, ऑब्वियसली बात है सारी चीजें वही है, थोड़े बहुत शब्दों में हेरफेर होता है, ठीक है। तो एक अपना दिमाग में सेट कर लो कि ये तीन चार वर्ड जोड़ करके, तीन चार निकाल करके हम एक अपनी खुद की डेफिनेशन याद कर लो बना करके हिंदी में, है ना, लाइक प्लांट एनिमल एंड मिनरल। देखो ये बातें इसकी इसके लगभग सेम आ रही है। आगे आते हैं, फार्माकोग्नोसिस कैन बी डिफाइंड एज ब्रांच ऑफ साइंस, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच इन्वॉल्व, जो कि इन्वॉल्व है डिटेल स्टडी ऑफ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल ओरिजिन, ठीक है ना, किस चीज में इन्वॉल्व है, एक ड्रग जो कि नेचुरल ओरिजिन जो कि कुदरती तौर पे मिलता है हमें, उसकी डिटेल स्टडी, उसमें क्या क्या होगा, उसका नाम, नाम स्टडी पढ़ेंगे, हैबिटेट कहां रहता है, कलेक्शन कैसे कलेक्ट करते हैं, कल्टीवेशन, मैक्रोस्कोपी माइक्रोस्कोपी उसका इंटरनल और आउटर हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज कलर टेस्ट ऑर्डर, केमिकल कॉन्स्टेंट उसके अंदर कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, थेरोपेटिक एक्शन बॉडी में जाने के बाद क्या एक्शन देता है वो, यूज क्या है, एंड अडल्ट्रेंट्स, अडल्ट्रेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी, जस्ट आगे आएगा, हम उसके अंदर कुछ मिलाते हैं, अडल्ट्रेंट मतलब एक तरह का कह लो कि हम उसके अंदर कोई दूसरी चीज डाल देते हैं। द वर्ड फार्माकोग्नोसिस डिराइव फ्रॉम द, फिर आगे लगा के बोल दे रहा है, डिराइव फ्रॉम द वर्ड फार्माकोन मीन्स मेडिसिन या ड्रग्स, एंड गिग्नोसिस मीन्स एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ समथिंग। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं डेफिनेशन पूरी मिलती जुलती है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि एक तुमको ये पार्ट तो पक्का याद करना है, ये पहला पक्के से याद होना चाहिए, दूसरा डेफिनेशन जब क्वेश्चन आएगा तो ये दो तो पक्का याद होना चाहिए, उसके बाद तुम लोग कोशिश करना 1, 2 और ये 3 इनमें से कोई एक या दो कोशिश करना, दो डेफिनेशन याद हो जाए तो बेस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा डेफिनेशन वाला क्वेश्चन क्या होता है कवर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ रही है? ओके, आगे आते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो है हिस्ट्री से। अब हिस्ट्री में भी थोड़ा सा बच्चों कंफ्यूजन रटने वाला पार्ट है, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा सा अलग अलग रहा है, कहां किस कंट्री में, पूरी दुनिया का योगदान है फार्माकोग्नोसिस में, ऐसा नहीं किसी एक कंट्री का योगदान रहा है, हर एक कंट्री में अपने अपने समय में कुछ लोग, सब पहले क्या होते थे, आदिवासी थे हम लोग, है ना, हम लोग कैसे थे, अगर इवोल्यूशन जो इवोल्यूशन है उसके साथ हम लोग पहले आदिवासी थे, तो होता क्या था कि हमें कुछ पता नहीं था, ना लैंग्वेज थी ना कुछ था, और फिर धीरे धीरे जिसे कहते हैं ना कि चोट खाते गए, चोट खाने का मतलब है कि कोई बीमार पड़ा उसने कुछ खा लिया, असर हो गया तो ठीक, असर नहीं हुआ तो उसको हटा दिया, मतलब इस तरीके से धीरे धीरे पहचान होती गई कि चोट पे मान लो इत्तफाक हुए कई सारे, ठीक है, कोई पत्ता रगड़ गया, हाथ में छू गया, खुजली हो गई या कुछ चीज ठीक हो गई, तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ, फल फ्रूट से भूख लगती थी खा लेते थे उसको, किसी के पेट में दर्द है कोई फल खा लिया अचानक से, ठीक है, तो पेट का दर्द बंद हो गया, तो इस तरीके से समझा कि हाँ ये फल पेट का दर्द ठीक कर देता है, फिर उसको धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो नॉलेज इकट्ठी होती गई वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होती चली गई कि ये फल ऐसा ये फल ऐसा, और फिर धीरे 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 क्या हुआ, नॉलेज इकट्ठी होती चली गई। तो देखो वही बातें लिखी हुई है यहाँ पर हिस्ट्री की, अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में, फिर मैं बच्चों एक बात बोलूंगा, जब क्वेश्चन आएगा तो
कुछ खास ही तो याद कर ही लेना, ठीक है। और पूरा रटना पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, मुझे पता है, बट करना पड़ेगा। तो आप समझते हैं, कह रहा था हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसिस इज ओल्ड एज ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ऑब्वियसली बात है, जब इंसान ने जन्म ले लिया, मतलब इंसान का इवोल्यूशन हो गया, जन्म ले लिया नहीं, इंसान का इवोल्यूशन हो गया, तो अब इंसान को जरूरत थी। जैसे देखा होगा तुम लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा, कुछ कई बार डॉग्स को नोटिस किया होगा कि वो घास खाते हैं और फिर उल्टी कर देते हैं। किया है नोटिस किसी ने? कुछ लोगों ने किया होगा। क्यों खाते हैं घास? उनको पता है घास खाने से उनका सिस्टम थोड़ा सा हिल जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है। ऐसा क्यों करते हैं? जब उन्हें लगता है कि पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है और जो खाया है वो दिक्कत दे रहा है, उसको बाहर निकालना है, तो वो घास चबा लेता है, उसकी वॉमिटिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसको पता है। देखो वो भी एक तरह से क्या हो गया, फार्माकोग्नोसी का ज्ञाता है, ठीक है। हाँ आगे देखें, कह रहा है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी इज एज ओल्ड एज ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ये उतनी ही पुरानी है जितना पुराना ह्यूमन का अस्तित्व है। टू नो द फ्यूचर, अगर हमें भविष्य जानना है, वन शुड नो द पास्ट, अगर हमें भविष्य जानना है तो हमको पास्ट भी समझना पड़ेगा। तो आओ देखें क्या कह रहा है ये। तो ये कह रहा है इन द अर्ली पीरियड, पुराने टाइम में, प्रिमिटिव मैन मतलब जो आदिवासी टाइप के थे, आदिमानव टाइप के थे, वेंट इन सर्च ऑफ फूड, फूड की खोज में जाते थे, फल मिल जाए, कंदमूल मिल जाए, जानवर को मारा काटा खा लिया, ठीक है, एंड एट एट रैंडम, और उसे रैंडम है ना। अब देखो मैं जो बात बताते जा रहा हूं मैं, जैसे एट मतलब ईट का सेकंड फॉर्म है, कुछ लोगों की इंग्लिश वीक है मुझे पता है, जिन लोगों की वीक नहीं है ओके है, जिन लोगों की वीक है मैं जब वर्ड बोलता जाता हूं तो वीडियो पॉज करते करते साथ साथ में उसकी मीनिंग लिखते जाना, वो तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। क्लियर है? ओके। इन द अर्ली पीरियड प्रिमिटिव मैन वेंट इन सर्च ऑफ फूड, खाने की खोज में जाते थे और रैंडम जो मिल जाता था खाते थे, उन्हें पता नहीं होता था ना, फल लगा हुआ लाल लग रहा, अच्छा लग रहा, खुशबू आ रही, खा लिया, अच्छा लगा, पेट भर गया, तो उसको फल में डाल दिया कैटेगरी में, सब्जी कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। तो रैंडम खा रहे हैं प्लांट्स को और उसके पार्ट्स को, लाइक ट्यूबर्स, जड़ खा लिया ना, ट्यूबर आलू लगा हुआ था खा लिया, उखाड़ लिया, फ्रूट खा रहे हैं, पत्ते खा रहे हैं, एटसेट्रा। ओके, एज नो हार्मफुल इफेक्ट वर ऑब्जर्व, जैसे कि उन्होंने देखा कि जिसको खा रहे हैं उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट उन्होंने नहीं नोटिस किया, ठीक है। कंसिडर देम एज एडिबल, जिसको खाया और उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं नजर आया तो उसको उन्होंने कहा कि हाँ ये चीज एडिबल है, खाने योग्य है, ठीक है, ठीक है, एडिबल मटेरियल है, एंड यूज देम एज फूड, और उसको फूड की तरह इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। देखो इस बहुत बड़ा लंबे समय का धीरे धीरे चीजें इकट्ठी होती आई। इफ ही ऑब्जर्व्ड अदर इफेक्ट बाय देयर ईटिंग, अगर वो कुछ और इफेक्ट देखते, उन्होंने कोई चीज खाई और उसका कुछ और असर दिखाई दे रहा है, देवर कंसिडर्ड इनएडिबल, यानी कि मतलब खाया, पेट में दर्द हो गया, चक्कर आने लगे, उल्टी हो गई, तो उन्होंने कहा कि ये खाना सेफ नहीं है, ये खाने लायक नहीं है, इसे हटा दो और सबको बता देना है कि ये फल को नहीं खाना। वो फिर क्या होता है कि उनके बच्चे होते हैं, जब उनके साथ शिकार पे जाते हैं, खाना लेने जाते हैं, बच्चों को सिखा देते हैं कि देखो बेटा ये नहीं खाना है, ये दिक्कत देता है, तो वो बच्चे सीख जाते हैं। इस तरह से जनरेशन आफ्टर जनरेशन चीज पास होती चली गई। ओके, इनएडिबल मतलब जो खाने लायक नहीं है, एडिबल मतलब जो खाने लायक है। एंड अकॉर्डिंग टू एक्शंस, अच्छा, एंड अकॉर्डिंग टू द एक्शन, वो जो चीज खाई है ना उसका एक्शन क्या हुआ शरीर पर, ही यूज देम इन ट्रीटिंग सिम्टम्स और डिजीज, उसका क्या असर हुआ उसके हिसाब से उन्होंने उसको अलग अलग बीमारियों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। देखो दिमाग देखो उन्होंने कितना लगाया, जैसे देखो यहाँ पे एक वो है दे रखा एग्जाम्पल, इफ इट कॉज डायरिया, अगर कोई चीज खाई और लूज मोशन हो गए, ठीक है, तो इट वॉज यूज एज परगेटिव, उन्होंने कहा कि भैया देखो जिसका कब्ज हो जाए तो ये फल खा लो, लूज मोशन हो जाएंगे, पेट साफ हो जाएगा, हो गया इलाज, ठीक है। अगर किसी को खाने से वॉमिटिंग हो जाती है, ठीक है ना, इफ वॉमिटिंग इट वॉज यूज एज मिमेटिक, ठीक है ना, यानी कि पेट अजीब सा है तो खा लो तो उसका क्या हो जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएगी, ठीक है। एंड इफ इट वॉज फाउंड पॉइजनस एंड डेथ, और अगर खाने के बाद जहरीला है या डेथ हो जाती है, वॉज कॉज्ड ही यूज एज एरो पॉइजन, एरो पॉइजन, तीर के आगे लगाया, मारा शिकार, मर गया हिरन, फिर पका के खा लिया। बात समझ में आ गई, एरो पॉइजन, तो बात समझ में आ रही है, यानी कि जो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग जो आज पढ़ ले रहे हैं, आज 5-10-15 मिनट आधे घंटे की क्लास में खत्म कर दूंगा मैं, ये हजारों सालों की मेहनत है, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे 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 जैसे जैसे इंसान का इवोल्यूशन होता गया, इंसान समझदार होता गया, घर बनाया उसने, फिर खेती करने लगा, और ये नॉलेज हर पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती रही, आगे ट्रांसफर होती रही है। क्लियर है? तो बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि आखिरकार चल क्या रहा है। ओके, अब क्या कह रहा है, द नॉलेज वॉज एम्पिरिकल एंड वॉज ऑब्टेन बाय ट्रायल एंड एरर, द नॉलेज वॉज एम्पिरिकल, एम्पिरिकल मतलब कह सकते हैं हम लोग यहां पर कि है ना,
जैसे है ना, कोई चीज देखा और समझा, और सही है तो सही, गलत है तो गलत, मतलब एम्पिरिकल हो गई, एंड वॉज ऑब्टेन बाय ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर, उसे देखा अच्छा नया फल है, चलो खा के देखते हैं, थोड़ा सा थोड़ा सा खाया कोई दिक्कत नहीं तो पूरा खा लिया, थोड़ा सा खाया कोई दिक्कत हो तो नहीं खाया, तो ट्रायल एंड एरर, ट्राई करते गए, एरर होता तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। ही यूज ड्रग एज सच और एज देयर इन्फ्यूजन्स एंड डिकॉक्शन। उन लोगों ने धीरे धीरे ड्रग को एज सच, जब पत्ता पत्ता पूरा खा लिया, या इन्फ्यूजन और एज देयर इन्फ्यूजन एंड डिकॉक्शन। डिकॉक्शन क्या होता है, जो है ना पत्ते को जब हम लोग क्या करते हैं, मान लो उबाल, जैसे चाय पत्ती होती है ना, उबाला और फिर निचोड़ लिया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिकॉक्शन कहते हैं, ठीक है। द रिजल्ट वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। धीरे धीरे ये जो रिजल्ट वो सीखते चले गए, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होता चला गया, एंड न्यू नॉलेज वॉज एडेड इन द सेम वे, और इस तरीके से नई नॉलेज एड होती चली गई। तो देखो बच्चों, ये तो है कि किस तरीके से धीरे धीरे नॉलेज आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली गई। बात समझ में आ गई, तो आओ थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग हिस्ट्री की तरफ। तो कह रहा है, द वर्ड ड्रग इज डिराइव फ्रॉम लैटिन टर्म ड्रूक, मीन्स ड्राइड, ठीक है ना। ड्रग वर्ड है वो लैटिन टर्म ड्रूक से आया, जिसका ड्राइड होता है। वेन ड्राइड प्लांट्स वर कॉमनली यूज एज मेडिसिन, किसी टाइम पे जो सूखे प्लांट को सुखा करके हम लोग दवाइयों की तरह इस्तेमाल करते थे, तो वहीं से वर्ड आ रहा ड्रूक। अब हम बात करें ब्रॉडली, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर स्टेजेस। हम फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री को तीन मेजर स्टेजेस में देख सकते हैं। अच्छा, हिस्ट्री देखो मैं फिर बता दूं, मैं हिस्ट्री ऐसे दे रहा हूं, किसी बुक में थोड़ा सा थोड़ी बहुत चीजें मिलती जुलती होंगी, थोड़ी बहुत चीजें अलग होंगी, किसी टीचर ने थोड़ा कुछ अलग बता दिया होगा, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। तो क्या है कि हिस्ट्री है तो कुछ लाइनें किसी बुक में, किसी चीज में, या किसी टीचर की थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई, आगे आते हैं। तो फर्स्ट स्टेज बिफोर क्या है, तीन स्टेज है। तो पहली स्टेज बिफोर 18th century, वेरी फ्यू डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्डेड एविडेंसेस आर अवेलेबल। 18वीं सदी से पहले क्या था, बहुत ही कम डॉक्यूमेंट थे, मतलब भाई जो चीज हम जान गए उसको लिखना पढ़ना भी तो होता था, तो बहुत कम डॉक्यूमेंट मिले हैं 18वीं शताब्दी से पहले के, या कुछ रिकॉर्डेड ऐसी चीजें बहुत कम मिली हैं कि जो ये बताएं कि हाँ उस समय मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ। आर अवेलेबल शोइंग द यूज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट बाय ह्यूमन, मतलब 18वीं सदी से पहले बहुत कम चीजें ऐसी मिल पाई जहां पर ये हम जान पाए कि हाँ ह्यूमंस नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते थे अपने लिए। सेकेंड स्टेज आता है इन्वॉल्व 19th century, है ना, विच इज द टाइम व्हेन बेसिक सब्जेक्ट हैज इवॉल्व। अब ये वो समय था जब ये धीरे धीरे क्या हुआ, इवॉल्व हुआ। इन दिस सेंचुरी द नेम फार्माकोग्नोसी केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है, या प्रैक्टिस। इसी शताब्दी में फार्माकोग्नोसी टर्म आया। इनिशियली शुरुआत में द सब्जेक्ट वॉज मोर लाइकली टू डिस्क्रिप्टिव बॉटनी ऑफ, क्या रहा है, शुरुआत में द सब्जेक्ट वॉज मोर लाइकली टू डिस्क्रिप्टिव बॉटनी ऑफ मेडिसिनल प्लांट। शुरुआत में जो सब्जेक्ट था फार्माकोग्नोसी वो भाई प्लांट के बारे में था ना सब कुछ, तो उसको हम बॉटनी, डिस्क्रिप्टिव बॉटनी में डाल रखा था कि बॉटनी जो डिटेल में हो, ठीक है, ऑफ मेडिसिनल प्लांट। बॉटनी ऑफ मेडिसिनल प्लांट मतलब बॉटनी ऑफ मेडिसिनल प्लांट इस तरीके से, मतलब बॉटनी मतलब क्या होता है पता है ना भाई, बॉटनी पता ना एक जियोलॉजी होती है और एक क्या होता है, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान ऐसा वनस्पति विज्ञान जहां पे हम वनस्पति की मेडिसिनल वैल्यू भी जाने, इस तरह से एक अलग ब्रांच बना रखी थी, कोई बात नहीं। बट एज द टाइम प्रोग्रेस, टाइम धीरे धीरे बढ़ता है, इट चेंजेस द कोर्स एंड इनकम्पासेस। धीरे धीरे क्या होता है, कोर्स बदलता है और इनकम्पास मतलब घेर रहा है, किसको घेर रहा है, इसने क्या क्या चीजें अपने अंदर ले ली, मतलब जो ये टर्म था धीरे धीरे चीजें बड़ी होती चली, और इसने एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन एंड अदर एडवांसेस टेक्निक, इसके अंदर ये सब चीजें आने लगी। एक्सट्रैक्ट करना, किस निकालना उसके अंदर का अर्क को निकालना, आइसोलेट करना केमिकल को, ठीक है, एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल करके उसमें ड्रग्स निकाला जा रहा है, तो बहुत सारी चीजें एडवांस होती गई और इसी के अंदर जाने लगी कि अच्छा इसके अंदर ये सब चीजें भी आने लगी। अब इनकम्पासेस मतलब ये सब चीजें भी कवर करने लगा। अब क्या हुआ, इन 20th century विच मे बी कंसिडर एज द थर्ड स्टेज, जो 20th century थी, ठीक है, चल रही है, 21वीं सदी वो आ गई है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट सीरीज ऑफ डिस्कवरीज, नई नई खोजी हुई, रिजल्टेड इन कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। जो नई नई खोज हुई उसने कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस होती है किसी चीज का बिल्कुल बदल जाना। कैसे, तुम लोगों ने लार्वा देखा है, तितली, लार्वा, प्यूपा, है ना, लार्वा कैसा होता है, जब वो बड़ा होता है तितली जैसा, तितली बन जाता है,
कोई उस लार्वे को देख के ये नहीं कह सकता है कि ये आगे जाके तितली बनेगी, पूरा जमीन आसमान का चेंज हो गया। डेट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, कोई चीज पूरी तरीके से बदल जाए, कोई चीज जो पूरी तरीके से बदल जाए। तो कह रहा है रिजल्ट इन कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का पूरा पूरा कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो गई है फ्रॉम लास्ट टू डिकेड्स, पिछले दो डिकेड्स, डिकेड्स मतलब एक डिकेड में होता है 10 साल, पिछले 20 सालों में ये पूरा बदल गया है। फार्माकोग्नोसिस स्टडीड इन मोर सिस्टमैटिक मैनर, अब इसको हम लोग और भी ज्यादा सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ने लगे हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, चलते हैं आगे। फिर कह रहा है एज हर्बल वेव, हर्बल वेव मतलब हर्ब्स, पता है ना हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स श्रब्स और ट्रीज, ठीक है ना, हर्ब जिनकी क्या नहीं होती है, टहनियां नहीं होती, जैसे धनिया टाइप का है ना। हर्ब की वेव कंटिन्यू टू स्वीप द वर्ल्ड, धीरे धीरे ये हर्बल वेव, भाई सिंथेटिक जो मेडिसिन होती है जो हम खाते हैं और हम नेचुरल चीज खाते हैं वो ज्यादा फायदेमंद है, हमें भी पता है शरीर में नुकसान कम है। तो धीरे धीरे एक वेव, एक लहर धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में स्वीप, स्वीप मतलब पोछा मारना, पूरे वर्ल्ड में घूमा, तो लिखने का तरीका है ये, एक वेव पूरे वर्ल्ड में घूम गई, ठीक है, कंटिन्यू रही। इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट इज एट द पिनेकल, अपनी पराकाष्ठा पे थे, अपने चरम पर था कि नेचुरल प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस, सब एकदम कहते हैं उसको जानने की उत्सुकता इतनी थी कि पूरी दुनिया में ये अपने पीक पर चल रहा था, ठीक है ना। पीपल आर एक्सपेक्टिंग नेचुरल प्रोडक्ट टू फिट इन मॉडर्न फ्रेमवर्क, जो लोग हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आजकल क्या है, नेचुरल चीज खाएं, है ना, देखा ना आजकल पतंजलि का बहुत ज्यादा क्यों चल गया है, या आजकल सब लोग नेचुरल चीज क्यों खाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो एलोपैथिक दवाइयां हैं उनके साइड इफेक्ट काफी सारे हैं, ठीक है। तो पीपल एक्सपेक्टिंग नेचुरल प्रोडक्ट टू फिट इन मॉडर्न फ्रेमवर्क, आज की दुनिया में क्या है, सुबह शाम तक काम करना, भाग दौड़ भरी जिंदगी, ठीक है, अब उसमें तुम थक जा रहे हो, तो हम लोग क्या चाह रहे हैं कि दर्द हो रहा है या कोई चीज हो रही है, तो हम चाह रहे हैं कुदरती चीज खाएं, ना कि कोई एलोपैथिक चीज खाएं। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस देयर आर सीरीज ऑफ न्यू हर्बल फॉर्मुलेशन इन द मार्केट, और इसका नतीजा क्या हुआ, मार्केट में बहुत सारे सीरीज ऑफ नए फॉर्मुलेशन आने स्टार्ट हो गए। ओके, अब आगे आते हैं, सम डॉक्यूमेंट्स ऑफ एंशियंट, एंशियंट मतलब पुराने जमाने में, एंशियंट टाइम्स शोड दैट, कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो ये बताते हैं कि चाइना, इंडिया, इजिप्ट एंड ग्रीस, ठीक है ना, प्लांट्स वर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस अ लॉन्ग टाइम बिफोर द क्रिश्चियन एरा बिगन। तो कह रहा है ये चार ऐसे हैं, चाइना, इंडिया, इजिप्ट एंड ग्रीस, जहां पर प्लांट को इस्तेमाल किया जा रहा था क्रिश्चियन एरा से भी पहले, यानी बहुत पुराने से ही हम लोग प्लांट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ मेडिसिन। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, चलें आगे। तो ठीक है, चार हैं, इन चारों को हम थोड़ा देख लेते हैं कि एंशियंट चाइना में क्या था, इंडिया में क्या था और ग्रीस में क्या रहा और इनका क्या योगदान रहा, तो थोड़ा समझ लेते हैं इनको। तो इस तरीके से हिस्ट्री के बारे में, हमारी हिस्ट्री क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो चाइना की बात करें, अकॉर्डिंग टू लीजेंड, लीजेंड होते हैं जो बताते हैं कि क्या ना कहानीकार, जिनको सामने कोई घटना घटी होती है, तो वो उन्होंने बताया कि शेननुंग जो कि एम्परर थे, ठीक है ना, अबाउट 2700 BC, हु सॉट आउट एंड इन्वेस्टिगेट, सॉट आउट मतलब कोई चीज ढूंढना और इन्वेस्टिगेट द मेडिसिनल वैल्यू ऑफ सेवरल हंड्रेड हर्ब्स, इन्होंने कई सैकड़ों हर्ब्स की क्या करी, इन्वेस्टिगेट किया, उसे ढूंढा। ही रेप्यूटेड टू हैव टेस्टेड मैनी ऑफ देम ऑन हिमसेल्फ, ठीक है, ही रेप्यूटेड, उन्होंने अपने ही ऊपर कईयों को टेस्ट किया, ठीक है, एंड टू हैव रिटन द फर्स्ट पेंटीसाओ, ठीक है ना, और नेटिव हर्बल, उन्होंने एक किताब लिखी कह सकते हैं, रिकॉर्ड किया उनको लिख लिख कर, जिसमें चाइना में कहा जाता है पेंटीसाओ, या हम कहते हैं नेटिव हर्बल्स, नेटिव मतलब जहां पे वो पाए जाते हैं। रिकॉर्डिंग 365 ड्रग्स, कितने रिकॉर्ड किए उन्होंने, 365 ड्रग रिकॉर्ड किए, उनको टेस्ट कर करके या किसी और तरीके से कि इनके क्या इफेक्ट हैं और ये कैसे यूज में ला सकते हैं। दीज वर सब डिवाइडेड एज फॉलोज, और इन 365 को सब डिवाइड कर दिया, जो सबसे अच्छे ड्रग्स थे जिनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है उनको कहा गया एम्परर, 120 एम्परर हर्ब्स, एम्परर मतलब अब ये राजा हो गए, ये वाले ड्रग राजा हैं। हर्ब्स ऑफ हाई फूड ग्रेड क्वालिटी विच आर नॉन टॉक्सिक, कैसे थे ये, नॉन टॉक्सिक एंड कैन बी टेकन इन लार्ज क्वांटिटीज टू मेंटेन हेल्थ ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हम लंबे समय तक इनको ले सकते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 120 मिनिस्टर्स, जो बाकी के 120 थे उनको क्या कहा, इन्होंने मिनिस्टर कहा, ठीक है ना भाई, राजा के नीचे कौन होते, मिनिस्टर होते हैं। मिनिस्टर हर्ब्स, सम माइल्डली टॉक्सिक, इसमें कुछ हल्के से टॉक्सिक थे एंड सम नॉट, और कुछ नहीं थे। हैविंग स्ट्रॉन्गर थेरापेटिक एक्शन टू हील डिजीज एंड
ठीक है ना। और क्या था इसके अंदर, स्ट्रॉन्गर थेरेप्यूटिक एक्शन था टू हील डिजीज, हील मतलब रिपेयर करना, ठीक करना किसको, डिजीज को। एंड फाइनली 125 सर्वेंट हर्ब, ठीक है, लास्ट में सर्वेंट कौन होते, नौकर, यानी कुछ ही ऐसे ड्रग्स थे जो डेट हैविंग स्पेसिफिक एक्शन टू ट्रीट डिजीज, डिजीज को ठीक करते थे, कुछ खास डिजीज पे डाइट काम करते थे, एंड एलिमिनेट स्टैग्नेशन, जो बीमारी है उसको हटा देते थे। लेकिन मोस्ट ऑफ दोज इन द लास्ट ग्रुप बीइंग टॉक्सिक, इसमें ज्यादातर लास्ट वाले कैसे टॉक्सिक थे और नॉट इंटेंडेड टू बी यूज्ड डेली, हम इनको रोजमर्रा की जिंदगी में या बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड लंबे समय तक खा नहीं सकते थे, क्योंकि ये इनका लंबे समय तक क्या था, टॉक्सिक इफेक्ट था। तो इस तरीके से जिनका कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है उनको एम्परर बोला, जिनके टॉक्सिक इफेक्ट थोड़े से हैं उन्हें मिनिस्टर बोला, और जिसके टॉक्सिक इफेक्ट जल्दी आ जाते हैं उनको क्या बोल दिया गया, सर्वेंट बोला गया। बात समझ में आ रही है ना, मजेदार चीज। चलो फिर क्या कह रहे हैं ये, फिर कह रहे हैं कि शेनुंग कंसीवली एग्जामिन्ड मैनी, कंसीवेबली मतलब कंसीव कर लिया, मतलब काफी आराम से उन्होंने एग्जामिन कर लिया और उनको प्रूव कर दिया, मैनी हर्ब्स बार्क्स एंड रूट्स ब्रॉट इन फ्रॉम द फील्ड, ठीक है। शेनुंग कंसीवली एग्जामिन, उन्होंने बड़े आराम से एग्जामिन किया कई सारे हर्ब को, बार्क्स को, रूट्स को, जो कि ब्रॉट मतलब लाए गए, ब्रिंग का ब्रॉट होता है, ब्रॉट इन जो कि लाए गए फ्रॉम द फील्ड, स्वैम्प एंड वुड, लकड़ी से लाए गए, स्वैम्प पता ना क्या होता है, पानी जैसा रहता है, गीला कीचड़ टाइप का, डेट आर स्टिल रिकॉग्नाइज्ड इन फार्मेसी, जो कि आज भी फार्मेसी में जाने जाते हैं। कुछ एग्जांपल दे दिए हैं किस किस को उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया था, पोडोफाइलम, रूबर्ब, जिनसेंग, स्ट्रामोनियम, सिन्नामोन बार्क एंड एफेड्रा, इसको उन्होंने ही उस समय पे वो कर लिया था, खोज लिया था कि हाँ इनके सबके इस्तेमाल है। इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन होता है जैसे किसी पथरीली चीज पर या ठोस चीज पर लिख दो तो उसे इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। ऑन ओरेकल बोन, ओरेकल बोन क्या होता है, बोन मतलब हड्डी होता है, ओरेकल क्या होता है, पुराने टाइम में तो उन्होंने देखा होगा तंत्र मंत्र बहुत चलता था, तो ओरेकल बोन होती है किसी ऑक्स, ऑक्स मतलब समझते हो ना, जो अपना बैल या सांड बोल लो, ठीक है, तो या कछुए की जो वो होती है, क्या कहते हैं, जो ऊपर की खाल होती है ना, हाड़ वाला होता है, उसको ऐसे उतार लेते थे ये लोग, तो वो जो ऑक्स की हड्डी होती थी और जो कछुए की होती थी उसके ऊपर लिखते थे ये, ठीक है ना। इंस्क्रिप्शन ऑन ओरेकल बोन, ओरेकल क्यों कहा गया है, ऐसी हड्डियां जो तंत्र मंत्र या पूजा पाठ में इस्तेमाल होती थी। फ्रॉम द शेंग डायनेस्टी, ठीक है ना, जो शेंग डायनेस्टी थी उनका जो वहां से जो ओरेकल बोन मिली थी, डिस्कवर्ड इन होनन प्रोविंस, जगह का नाम है, Have provided a record of illness, medicines and medical treatment. वहां पर जो inscriptions मिले हैं Oracle Bone पर, वो काफी सारे record दिखाते हैं बीमारियों के, दवाइयों के और उनके treatment के। Furthermore, कह रहा आगे, a number of medicinal treatises on silk banners. ठीक है ना, कई सारी और जो medicinal treatises कह सकते हैं कि जो लेख कह सकते हैं हम लोग उसको, ऑन सिल्क बैनर्स एंड बंबू, जो सिल्क के बनाए हुए बैनर थे और बंबू जो बांस की स्लिप थी, ठीक है, वर एक्सकेवेटेड फ्रॉम द टॉम, एक्सकेवेट मतलब जो खुदाई में चीजें निकलती हैं, कहां से निकली, टॉम मतलब मकबरा होता है जो है ना जिस दफन कर दिया जाता है, फ्रॉम द टॉम नंबर 3 एट मा हुआंग टू इन चंगशा, ठीक है ना, हुनान प्रोविंस। तो ये टॉम का नंबर है, 3 नंबर टॉम से, टॉम जो मैंने बताया मकबरा था, वहां की जब खुदाई हुई तो वहां से हमको काफी सारे सिल्क के बैनर और बंबू की स्लिप मिली, जिनमें हमें काफी सारे क्या मिली, दवाइयों की चीजें मिली, मतलब लेख मिले जहां पे दवाइयों के बारे में जिक्र था। दीज वर कॉपीड फ्रॉम बुक सम टाइम बिटवीन द चिन एंड हैन पीरियड, कहा जा रहा है कि इसमें जो चीजें लिखी हुई थी वो कॉपी हो रखी थी किसी जो बुक है जो कि किस टाइम पे थी, चिन एंड हैन पीरियड। अब ये कौन से पीरियड है, कौन से काल की बात हो रही है, तो इसको अगर और देखना चाहते हो तो YouTube पे सर्च कर सकते हो, अदरवाइज हमें हमारी याद करने के लिए इतना काफी है, 300 BC, ठीक है ना। फिर कह रहा है एंड कंस्टिट्यूट द अर्लीस्ट मेडिसिनल ट्रीटीज एग्जिस्टिंग इन चाइना, सबसे पुराने जो लेख हैं हमारे पास मेडिसिनल के वो चाइना के, इसको क्या करते हैं, प्रूफ के तौर पे हमको मिलते हैं। क्लियर है, आगे आते हैं एंशियंट इजिप्ट। मैं फिर कह रहा हूं कोई चीज अगर तुम्हें लगता है कि दिक्कत है समझने में तो उसको मैं बोलता जा रहा हूं, समझाता जा रहा हूं, उसको तुम अपनी लैंग्वेज में सिंपल लिख सकते हो। क्लियर है, ancient Egypt, the ancient Egyptians documented their knowledge about medicine on paper made from Cyprus aquaticus, एक plant है, ठीक है ना,
एक प्लांट है साइप्रस, ठीक है ना, उसका क्या है, उसके बीच का जो पार्ट होता है उसको निकाल निकाल के ना पेपर बनाते थे वो लोग, कौन, ये इजिप्शियन, और उसके ऊपर क्या लिखते थे, ठीक है। तो साइप्रस एक्वाटिक कॉमनली कॉल्ड एक्वाटिक सेज और पेपायरस, उस प्लांट को हम लोग एक्वाटिक सेज या पेपायरस भी कहते हैं, वहीं से नाम पड़ जाता है पेपायरस। पेपायरस एबर्स, एबर्स जिन्होंने लिखा अराउंड 500 BC, बर्लिन पेपायरस, एडविन स्मिथ पेपायरस, ठीक है ना, कोहन मेडोक पेपायरस आर सम ऑफ द ओल्डेस्ट हैंडबुक, हाथ की लिखी हुई, विच कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ इलनेस एंड ट्रीटमेंट, इसके अंदर इलनेस और ट्रीटमेंट की बातें लिखी हुई थी और इनको ठीक करने के लिए कौन से हर्ब का इस्तेमाल होगा ये बातें लिखी गई थी। इन एंशियंट इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया क्ले टैबलेट्स वर यूज्ड, क्ले ना जो मिट्टी होती है, टैबलेट यूज्ड टू डॉक्यूमेंट नॉलेज ऑफ ड्रग विच आर डेटिंग बैक टू 3000 BC, जो लगभग 3000 BC बैक की पुरानी है ये, ठीक है। तो वहां पर कुछ क्ले की टैबलेट मिलती है जिनके ऊपर हम लोग क्या लिखते थे, ये लोग अपनी चीजों को लिख करके सेव करते थे। बात करें एंशियंट इंडिया की तो मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं इसके बारे में काफी सारी बातें, कुछ हम लोग यहां समझ लेते हैं। इन इंडिया नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट इज वेरी ओल्ड, ऑब्वियसली बात है हमारे में तो आयुर्वेदा काफी टाइम चल रहा है, एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट आर डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेदा एंड इन अथर्वेदा, है ना, लगभग 3500 से 1500 BC, फ्रॉम विच आयुर्वेदा हैज डेवलप, इसी से अथर्वेदा ऋग्वेदा में से क्या डेवलप हुआ, आयुर्वेदा। आयुर्वेद आजकल बहुत ही फेमस है ना, हमारी कंट्री में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड काफी ज्यादा इसका प्रचार है, प्रसार है और लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। द बेसिक मेडिसिनल टेक्स्ट इन दिस वर्ल्ड रीजन, ठीक है ना, कह रहा है द बेसिक मेडिसिनल टेक्स्ट जो है द आयुर्वेदिक राइटिंग कैन बी डिवाइडेड इन 3 main ones, जो सिंपल शब्दों में कहें जो आयुर्वेदिक राइटिंग है, आयुर्वेदिक है उसको हम लोग, जो आयुर्वेदा है मतलब पूरा जो हर्ब का पूरा मेडिसिनल का है वो, उसको हम लोग 3 main category में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि पूरी आयुर्वेदिक को हम लोग 3 category में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, चरक संहिता, सुश्रुता संहिता और अष्टांग हृदयाम संहिता एंड 3 minor ones, ये हो गया मेजर या मेन, और माइनर में कौन कौन है, सर्ण गधारा संहिता, भावा प्रकाशा संहिता एंड क्या है, मधावा निदानम संहिता, थोड़ा सा वर्ड संस्कृत वर्ड से आ रखी है चीजें, ये तो थोड़ा सी वो है बोलने में दिक्कत है, तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं तो कहां कहां से क्या क्या चीजें आ रही है हमारे पास। देन बात करें, आयुर्वेदा इज अ टर्म फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑफ एंशियंट इंडिया, ठीक है ना, आयुर्वेदा जो है एक टर्म है किसके लिए, ट्रेडिशनल मेडिसिन, ओके। तो आयुर्वेदा क्या देख रहे थे हम लोग इस बारे में, आयुर्वेदा इज अ टर्म फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑफ एंशियंट इंडिया, है ना, ये किसके लिए टर्म है, ट्रेडिशनल मेडिसिन, ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है, जो पारंपरिक है, यानी कि हमारी जो पारंपरिक मेडिसिन चली आ रही है, हमारी एंशियंट इंडिया, हमारी पुरानी इंडिया का, ठीक है। आयुर मीन्स लाइफ एंड वेदा मीन्स स्टडी ऑफ, ठीक है ना, स्टडी करना, ठीक है, लाइफ की स्टडी करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, आयुर्वेदा। आगे चलें अगर बात को हम आगे करेंगे, द ओल्डेस्ट राइटिंग, सबसे पुरानी राइटिंग, मतलब जो सबसे पुराने टाइम सबसे पुरानी चीज लिखी हुई है, डेट इज योर चरक संहिता, इज बिलीव टू डेट बेक बैक टू 6 to 7 centuries बिफोर क्राइस्ट, माना जाता है कि ये लगभग 6 to 7 centuries पीछे, बिफोर क्राइस्ट, है ना, क्राइस्ट के जन्म से पहले। इट इज एज्यूम्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशियंट अथॉरिटेटिव राइटिंग ऑन आयुर्वेदा, अथॉरिटेटिव मतलब जो अथॉरिटी, मतलब एक तरह से वैलिड कहा जाएगा इसे, ठीक है ना, माना जाता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अथॉरिटेटिव है, ठीक है। द सुश्रुता संहिता इज थॉट टू हैव अराइजन अबाउट द सेम टाइम पीरियड एज द चरक संहिता, माना जाता है कि सुश्रुता जो संहिता है वो भी चरक संहिता के टाइम पर ही ओरिजिन हुई है, बट स्लाइटली आफ्टर अष्टांग हृदयम एंड द अष्टांग संग्रह हैव बीन डेटेड अबाउट द सेम टाइम एंड द थॉट टू बी डेट आफ्टर द चरक एंड सुश्रुता संहिता, ठीक है, इनकी टाइमिंग दे रखी है कौन किसके बाद आया है कि कौन किसके बाद बना है, तो ठीक है, ये अगर याद नहीं भी रहता तो एक सीक्वेंस बना सकते हो कि सुश्रुता संहिता सबसे पहले आई, ठीक है, उसी टाइम पर चरक संहिता आई, ठीक है, और बट स्लाइटली आफ्टर इट अष्टांग हृदयम एंड द अष्टांग संग्रह हैव बीन डेटेड अबाउट द
सेम टाइम एंड आर थॉट टू डेट आफ्टर द चरक संहिता सुसु संहिता। ठीक है, माना जाता है ये दोनों इन दोनों के बाद आए हैं, लेकिन दोनों साथ में आए हैं। कौन कौन? ये और ये। तो थोड़ी सी चीजें, ये तो हमारे इंडिया को लेकर के, ये तो पक्के से याद कर लेना। ठीक है, आगे आते हैं, क्या कह रहा है ग्रीक में। ग्रीक साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड मच टू द नॉलेज ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। जो नेचुरल हिस्ट्री है उसमें ग्रीक साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। हिप्पोक्रेट्स, कौन नहीं जानते इनको, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है ना, ये डेट लिखी हुई है, इज रेफर्ड टू एज फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, एंड इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज फेमस ओथ विच इज इवन नाउ एडमिनिस्टर्ड टू द डॉक्टर। जो एक हिप्पोक्रेट्स है ना, जो एक ओथ लिया, शपथ ली जाती है, डॉक्टर जो शपथ लेते हैं जब निकलते हैं कोर्स करने के बाद, कि उसमें शपथ में होता है कि हम हर किसी की मदद करेंगे, किसी को इलाज को जरूरत होगी तो अपना तन मन सब लगा करके उसका इलाज करेंगे, इस तरह की एक ओथ होती है उनकी। ठीक है, उसको हम हिप्पोक्रेट्स की ओथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये फादर ऑफ मेडिसिन हो गए। एरिस्टोटल, इनका नाम भी सबने सुन रखा होगा, स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, प्लेटो के स्टूडेंट थे, वॉज फिलोसफर, एक फिलोसफर थे, एंड इज नोन फॉर हिज राइटिंग ऑन एनिमल किंगडम। ठीक है ना, इन्होंने एनिमल किंगडम के ऊपर काफी कुछ चीजें लिखी थी, विच इज कंसिडर्ड अथॉरिटेटिव इवन इन 20th सेंचुरी, यानी कि इवन उसको जो है लीगल और एकदम कहते हैं लीगल और एक तरह से जो सॉलिड माना जाता था, इवन 20th सेंचुरी तक ये एकदम करेक्ट चलती रही, उसके बाद फिर थोड़े से चेंजेस आ गए थे। आगे देखें अगर हम लोग, तो नाम आता है थियोफ्रास्टस का। तो थियोफ्रास्टस अ स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल, ये एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे, रोट अबाउट प्लांट किंगडम। इन्होंने किसके बारे में लिखा? प्लांट किंगडम के बारे में लिखा। ठीक है, डायोस्कोरिडाइस अ फिजिशियन हु लिव्ड इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी डिस्क्राइब मेडिसिनल प्लांट सम ऑफ विच लाइक बेलाडोना एर्गोट ओपियम कोल्शियम आर यूज्ड इवन टुडे। इन्होंने कुछ प्लांट्स के बारे में पहली बार डिस्क्राइब किया। ठीक है, बेलाडोना के बारे में, एर्गोट के बारे में, जो आज भी क्या है, यूज में है हमारे लिए। बात समझ में आ रही है। प्लाइनी रोट 37 वॉल्यूम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, इन्होंने 37 वॉल्यूम लिखे नेचुरल हिस्ट्री के। गैलन डिवाइस्ड, बनाए मेथड, इन्होंने कुछ मेथड बनाए फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्लांट, प्लांट्स की प्रिपरेशन, यानी कि प्लांट्स से जो हम लोग मेडिसिन की प्रिपरेशन करेंगे उसके लिए, एंड एनिमल ड्रग्स नोन एज गैलेनिकल्स इन हिज ऑनर, उसके सम्मान में उनको हम लोग क्या कहते हैं, जो उन्होंने मेथड तैयार किए उनको हम गैलेनिकल्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ये अलग अलग जो थी, ग्रीस का, चाइना का, इंडिया का, इनका रोल डिस्क्राइब किया गया है। जितना याद हो जाए उतना अच्छा, उसको जितना सिंपल लैंग्वेज में कर लो उतना अच्छा। लकीर का फकीर मत बन जाना, हमेशा बोलता हूं मैं, क्लियर है। आगे आते हैं, क्या कह रहा है, इन 18th सेंचुरी फार्माकोग्नोसी वाज मच क्लोजली रिलेटेड टू बॉटनी, यानी 18वीं शताब्दी तक जो फार्माकोग्नोसी है उसको बॉटनी ही माना जाता था। इन ओल्ड डेज ड्रग फ्रॉम नेचुरल ओरिजिन वर यूज्ड इन क्रूड फॉर्म एज पाउडर और डिकॉक्शन। पुराने दिनों में जो ड्रग थी वो क्रूड फॉर्म में, यानी पत्ता पत्ता खा लिया, या पाउडर के फॉर्म में, या डिकॉक्शन, डिकॉक्शन मैंने बताया था, इसे बॉइल करके उबाल लेना और उसका निचोड़ को इस्तेमाल करना। लेटर इन 19th सेंचुरी, बाद में 19वीं शताब्दी में, डेवलपमेंट इन साइंस हैज एक्सपेंडेड एरेना ऑफ फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी का जो एरिया था वो एक्सपेंड कर गया। ठीक है ना, ये लाइनें हैं, इसको हटा भी सकते हो, एक लाइन लिख दी है। अब कह रहा है नाउडेज फार्माकोग्नोसी हैज बिकम अ काइंड ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब एक सब्जेक्ट है, उसमें कई सारे सब्जेक्ट आकर जुड़ जाते हैं। ठीक है, विच एम्ब्रेसेस, जो क्या क्या चीजें अपने अंदर लेके आता है, एम्ब्रेस कर रहा है, क्या क्या चीजें उसके अंदर आती हैं, फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक है ना, फाइटो मतलब हो गया प्लांट और केमिस्ट्री उसकी केमिस्ट्री, एनालिटिकल फार्माकोग्नोसी उस किसी केमिकल को एनालाइज करना, फार्माकोथेरेपी, ठीक है ना, थेरेपी मतलब समझते हो ना, किसी का इलाज करना पूरा पूरा प्लांट्स के द्वारा, मेडिसिनल प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स के सेल्स के अंदर कुछ डीएनए में छेड़छाड़ करेंगे, ठीक है, और कुछ अच्छी चीज बनाने की कोशिश करेंगे, हर्बल फॉर्मुलेशंस, हर्ब्स की जो फॉर्मुलेशन करते हैं जिससे कोई बीमारी ठीक हो सके, ठीक है, और न्यूट्रास्यूटिकल्स, नेचुरल जो अपने नेचुरल प्रोडक्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आजकल क्या हो गया, ये कई सारे डिसिप्लिन, ये सारी चीजें भी इसी के अंदर अब काउंट होने लगी धीरे धीरे। बात करें जू फार्माकोग्नोसी की, जू मतलब, बात समझ में आ गई, जू मतलब एनिमल, इज अ ब्रांच ऑफ फार्माकोग्नोसी विच इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशन, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ एनिमल बिहेवियर फॉर डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग। हम लोग एनिमल के बिहेवियर को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं फॉर डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग, जिससे कि नए ड्रग्स की खोज हो सके और उनको डेवलप किया जा सके। नाउडेज आजकल ड्रग फ्रॉम नेचुरल ओरिजिन आर स्टडीड, आजकल क्या है, जो ड्रग नेचुरल ओरिजिन के हैं उनको स्टडी किया जा रहा है, फॉर्मुलेट बनाया जा रहा है, रेगुलेटेड इन द फ्रेमवर्क ऑफ
मॉडर्न मेडिसिन, जो नेचुरल ओरिजिन के ड्रग है उनको हम लोग मॉडर्न फ्रेमवर्क यानी कि मॉडर्न मेडिसिन में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट करते हुए यूज में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा ये सब तो क्या हो गया, हिस्ट्री आ गई, थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझे। क्रोनोलॉजी मतलब कौन किसके बाद आए। तो सुमेरियंस एंड अकेडियंस, थर्ड मिलेनियम बीसी है ना, सुमेरियन अकेडियन मेसोपोटामिया का सभ्यता के बारे में था, वहां से आने की इसकी शुरुआत हो गई थी सबसे पहले। फिर इजिप्शियन के वो मिले, एबर्स पेपायरस, देन हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स आए, देन डायोस्क्राइड्स आए, जिन्होंने एक क्या लिखा हुआ है, डी मैटेरिया मेडिका, एक किताब लिखी जिसके अंदर लगभग 600 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जिक्र किया इन्होंने, ठीक है। देन इस्लामिक एरा आया जिसमें इब्न अल-तबारी, इब्न सीना और इब्न अल-बितार, इन एरा में क्या हुआ, इसमें अलग अलग जो है क्या कहते हैं हमारे प्लांट्स के बारे में, उनके मेडिसिनल यूज के बारे में जिक्र किया गया। देन एरा ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोरेशन, ठीक है, यूरोप का योगदान दिखाया गया है कब, 16th से 17th सेंचुरी में, यानी कि इस सीक्वेंस में धीरे धीरे क्या है, अलग अलग कंट्रीज के कुछ हमको लेख मिले हैं जो बताते हैं कि किस समय में किस कंट्री से क्या क्या चीजें हमको मिलती गई हैं। 18th सेंचुरी में फार्माकोग्नोसी जॉन एडम, ठीक है ना, 18वीं शताब्दी में जो कि जॉन एडम एक थे जो कि सर्जन एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी थे, सर्जन भी थे और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब आंखों के डॉक्टर भी थे। इन 1811 हिज लहरबच डर मैट्रिया मेडिका, एक किताब इनकी पब्लिश होती है विच वॉज अ वर्क ऑन मेडिसिनल प्लांट एंड देयर प्रॉपर्टी, पहली बार ऐसा होता है जिसमें सारी किताबें मतलब जो इनकी किताबें थी वो पब्लिश होती है, जिसमें इनके द्वारा किया गया काम पब्लिश होता है। लाइनस, उसके बाद लाइनस आए, उन्होंने क्या किया, नेमिंग एंड क्लासिफाइंग प्लांट, पढ़ा होगा क्लास 11 में पढ़ा था कि लाइनस ने आगे क्या कर दिया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया जिससे कि हम प्लांट्स के नाम को इजिली समझ सके। एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी क्रूड ड्रग्स वर स्टिल बीइंग यूज्ड एज पाउडर, 18वीं शताब्दी के अंत तक क्रूड ड्रग्स को अभी हम पाउडर और सिंपल एक्सट्रैक्ट और टिंक्चर्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। द एरा ऑफ प्योर कंपाउंड्स, अब प्योर कंपाउंड्स कब निकलने स्टार्ट हुए, लगभग 1803 में, अ न्यू एरा इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, जब हम लोगों ने प्योर कंपाउंड को प्लांट्स के अंदर से निकाला, ठीक है। आइसोलेशन, किस किसका आइसोलेशन हुआ, मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम, स्ट्राइशिन, क्विनिन एंड कैफिन 1820 में, 1817 में, देन निकोटीन 1828 में, एट्रोपिन 1833 में, कोकेन, ठीक है, 1855 में, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, ड्रग्स को प्योर फॉर्म में निकालना स्टार्ट किया, धीरे धीरे ये आगे साल बढ़ते चले गए। इन द 19th सेंचुरी द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मैनी ऑफ द आइसोलेटेड कंपाउंड वर डिटरमाइंड, देखो एडवांस आ गया, अब हम उसका केमिकल स्ट्रक्चर भी स्टडी करने लगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बातें? तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे पास समय के साथ साथ किस तरीके से एडवांसमेंट आती जा रही है। नाउ इन 20th सेंचुरी डिस्कवरी ऑफ इंपॉर्टेंट ड्रग्स फ्रॉम द एनिमल किंगडम, पर्टिकुलरली हार्मोन्स एंड विटामिन्स, ठीक है ना, एनिमल किंगडम से कुछ बहुत ज्यादा खास ड्रग, हार्मोन और विटामिन्स, ठीक है, वो निकाले जाने लगे हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ड्रग्स, अब आज के टाइम पे माइक्रो ऑर्गेनिजम बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हो गए हैं किसका, ड्रग्स का। तो ये थे हमारे पास क्या, डेफिनेशन और हिस्ट्री। हिस्ट्री में फिर बता रहा हूं, हिस्ट्री में चाहो इसमें कुछ चीजें हटा सकते हो, कुछ ऐड कर सकते हो, तुम्हें लगता है कि नहीं ये वाला कंटेंट कहीं से तुम्हें मिला हुआ है, वो आसान लगता है, जितना मैक्सिमम कवर हो सकता था मैंने कवर कराने की कोशिश की है। सारा याद नहीं होगा, या याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, परेशान बिल्कुल नहीं होना, 4-5-6 बार चीजें पढ़ लोगे, सीक्वेंस याद कर लोगे, तो जो आएगा जब एग्जाम में तो लिखने के लिए काफी सारा कंटेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या करना है, क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।